अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्राइम पोस्ट। दिस इज योर होस्ट उमर अल्ताफानी एंड फिर से आपका वेलकम करूंगा हमारे डेली स्पोर्ट्स टॉक शो में। रोज रोज हम बात करते हैं क्रिकेट के रिलेटेड। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक को लेकर करेंगे बात। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कल के सवाल का जवाब दे दूं। हु हैज बीन द कैप्टन जिनके अंडर टीम ने सबसे ज्यादा विन्स रजिस्टर की हैं, एंड दैट इज नन अदर देन साउथ अफ्रीका कैप्टन ग्रैम स्मिथ। एंड चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा आपका आज के लिए सवाल ये रहेगा, विच इंडियन क्रिकेटर हैज हिट द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक रहेगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अक्सर लोग बात करते रहते हैं, यार इंडिया और पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, और इंडिया पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचेस में कौन सी टीम ज्यादा सक्सेसफुल रही है, कौन सी टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं, उन्हीं स्टैटिस्टिक्स को लेकर आज थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और देखेंगे आखिरकार ग्राउंड रियलिटी पे ये कैसा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच कब खेला था। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड देयर फर्स्ट टेस्ट मैच आफ्टर द 5 years ऑफ इंडिपेंडेंस, मींस इन 1952। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ आपको, 16 अक्टूबर 1952 में, बिल्कुल आजादी के 5 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला था। और उस मैच में पाकिस्तान टोर कर रही थी इंडिया को, और इस पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, और ये मैच खेला गया था न्यू दिल्ली में। और इसी सीरीज के जब दूसरा मैच हुआ था तो उस टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को वापस हराया, एंड दैट सीरीज एंडेड अप एज ड्रॉ। तो ऐसा ही स्टार्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेटिंग हिस्ट्री। एंड कितना जल्दी है राइवलरी भी बदल गया ये पता ही नहीं चला। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टैट्स बता देता हूँ। अभी तक जो इंडिया और पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं, उन मैचेस में ज्यादातर कुछ ऐसी चीज देखने को मिली है कि इट इज लाइक समथिंग डिफरेंट। अगर हम करंट क्रिकेटर्स की बात करें तो उनका भी कहना है कि आजकल के क्रिकेट में अगर कुछ मिसिंग है तो वो है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाले मैचेस, क्योंकि द काइंड ऑफ एनर्जी दोज मैचेस प्रोवाइड, दैट इज मिसिंग इन द करंट एरा। एंड पिछले जमाने के क्रिकेट में, आई मीन जस्ट एक डेकेड अगो, अगर हम देखें तो क्रिकेट अलग जर्नी पे था, क्रिकेट अलग लेवल पे था। तो देखते हैं कि यार कौन सी टीम ने कितने मैचेस जीते हैं अपने राइवल के खिलाफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट मैचेस। तो अगर हम देखें तो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच 59 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। मैं आपको बता दूं, 59 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान ने 12 टेस्ट मैचेस जीते हैं, एंड इंडिया हैज ओनली मैनेज्ड टू विन द 9 टेस्ट मैचेस, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द मैचेस एंडेड अप एज ड्रॉ। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो करंट एरा में ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर मैचेस ड्रॉ नहीं होते, टीम्स गो फॉर द विन। लेकिन पहले के टाइम में जब डिफेंसिव अप्रोच रहता था प्लेयर्स का, तो उस टाइम में मोस्ट ऑफ द मैचेस ड्रॉ ही रहते थे। तो इसीलिए 59 मैचेस होने के बाद भी 12 पाकिस्तान और इंडिया ने 9 जीते हैं, जो बाकी के मैचेस है दे एंडेड अप एज ड्रॉ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओडीआई फिगर्स। ओडीआई फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो 132 मैचेस हैव बीन प्लेड बिटवीन द टू नेशंस सो फार, 132। इंडिया हैज मैनेज टू विन 55 एंड पाकिस्तान 73। तो मतलब यहाँ पे भी इंडिया का फिगर जो है वो पाकिस्तान को क्रॉस कर जाता है, सॉरी यहाँ पे मतलब यहाँ पर भी पाकिस्तान का जो फिगर है वो इंडिया को क्रॉस कर रहा है। पाकिस्तान ने ओडीआई मैचेस ज्यादा जीते हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात रहती है, क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन से पूछे विच टीम इज बेटर, कौन सी टीम ज्यादा जीत रही है, तो वो बोलेंगे कि ऑब्वियसली यार इंडिया ज्यादा मैचेस जीत रही है। लेकिन जब रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना डिफरेंस है, कौन सी टीम कितना बेटर खेल रही है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पाकिस्तान वाज बेटर देन इंडिया। और ये प्रूव कहां से होता है, जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं। तो T20 क्रिकेट में अभी तक इन दोनों टीम्स ने 8 मैचेस खेले आपस में, उन 8 मैचेस में से 6 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, एंड वन ऑफ द मैच एंडेड अप एज ड्रॉ। तो T20 क्रिकेट में इंडिया ने ज्यादा मैचेस क्यों जीते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट स्टार्ट हुआ था 2007-08, उस टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया का क्रिकेट, इंडिया की टीम स्टार्टेड टू बिल्ड, कुछ नए प्लेयर्स आ गए थे, लाइक्स ऑफ युवराज सिंह एडेड अप इन द स्क्वाड, महेंद्र सिंह धोनी आ गए थे, एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आ गए थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को बदल दिया था। पहले की इंडियन क्रिकेट टीम की तरह नहीं थे, दोज हु यूज्ड द टीम हु यूज्ड टू प्ले स्लो एंड likes of that. तो इंडियन में T20 की बात कर रहा था, लेट मी टेल यू दैट अगेन, दे हैव प्लेड 8 मैचेस हैव बीन प्लेड बिटवीन द टीम सो फार, इंडिया हैज मैनेज्ड टू विन 7 एंड पाकिस्तान ओनली 1, जो रेस्ट एक मैच बचता है वो ड्रॉ हो गया था। अगर आपको याद होगा, इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे पहला T20 मैच खेला गया था, इट वॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2007। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्पाइट पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े जाते हैं तो उस हिसाब से पाकिस्तान इज डोमिनेटेड, लेकिन जब हम ICC मेजर ट्रॉफीज की बात करते हैं, ICC टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पे पाकिस्तान का ना एक रेस से पीछे हो जाते हैं, पीछे नहीं बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इट इज अ शॉकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, पाकिस्तान ने आज तक
इंडिया को वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया है, चाहे वो 1952 से 1952 का टेस्ट मैच हो या 96 का वर्ल्ड कप हो, 83 का वर्ल्ड कप हो, 2011 का वर्ल्ड कप हो या 2019 का, बहुत सारे वर्ल्ड कप्स हैं। पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप्स में इंडिया को हराने में नाकाम रही है। ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर आप बाकी सीरीज में बाकी कप्स में डॉमिनेट करते हैं तो वर्ल्ड कप्स में क्या हो जाता था। फिलहाल ये रिकॉर्ड अभी भी इंडिया के पास है कि दे हैव नेवर लेट पाकिस्तान टू विन अ सिंगल मैच इन द इंडियन ओडीआई वर्ल्ड कप। लेकिन जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जो सबके दिमाग में चिपका हुआ होगा, द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद आमिर। फाइनल्स में पाकिस्तान ने हराया था इंडिया को विद द ब्रिलियंट, पहले तो बैटिंग और दूसरा बॉलिंग से भी डोमिनेट किया था इंडिया के पास। अगर उस मैच में कोई हाईलाइट था तो दैट वाज द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांडे की जो इनिंग थी। लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे। तो एक और बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैचेस कम क्यों हुए। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मैचेस होने चाहिए थे। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया का जब बाकी कंट्रीज के साथ फिगर मैच करते हैं तो और ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कम मैचेस की खेले हुए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1962 के से लेकर 1977 तक कोई भी मैच खेला नहीं गया था। और एक कुछ ऐसी चीज है जो हमेशा ड्यू टू द कंफ्लिक्ट रहा है दोनों कंट्रीज के बीच, उसकी वजह से मैचेस ज्यादा नहीं खेल पाए। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, जो 2019 इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था, उस मैच की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात एक बताना चाहूंगा। उस मैच में 80 लाख एप्लीकेशन रजिस्टर हुए थे मैच टिकट्स के लिए। 80 लाख इज नॉट ए जोक गाइस, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, स्टेडियम की कैपेसिटी होती है नियर अबाउट 1 लाख पीपल, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन 80 लाख एप्लीकेशन जाना इंडिया और पाकिस्तान मैच देखने के लिए, ये बहुत ही बड़ा फिगर है। एंड ये आज तक का सबसे बड़ा फिगर है किसी भी एप्लीकेशन को बीट करने में, इसका अभी तक कोई सानी नहीं रहा है। दूसरी बात हम करेंगे तो जो यहाँ पर इंडिया में इंडिया टोर पाकिस्तान ने 1955, जब इंडिया ने टोर किया था पाकिस्तान को 1955 में, तो उस टाइम जब वो इंडिया का पहला टोर था पाकिस्तान में जाकर खेलने का, तो वहां पर उस टाइम इंडिया ने अपने यहाँ पे जो लोकल्स को फ्री वीजा दिया गया था इंडियन पीपल को कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं एंड लाहौर में जाकर आप मैचेस देख सकते हैं टू सपोर्ट योर टीम। ये एक और हाईलाइट बन जाता है क्योंकि ये भी आज तक की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बाकी किसी टीम के साथ नहीं हुआ है। नो अदर सच अ थिंग हैज हैपेंड एवर। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और एक इमेंस चीज रही है दोनों टीमों के बीच, तो हम सब जानते हैं, एक फिगर्स भी बताते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से बॉलिंग यूनिट ज्यादा स्ट्रांग रहा है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। अगर हम 80s की बात करें या 90s की बात करें, इवन दो इन करंट एरा पाकिस्तान हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग ब्रिलियंट बॉलर्स, चाहे हम लेजेंडरी वकार यूनिस की बात करें, वसीम अकरम की बात करें, या फिर करंट एरा में हमने देखा है मोहम्मद आसिफ को, हमने देखा मोहम्मद आमिर को, वी हैव सीन लाइक्स ऑफ शाहीन आफरीदी जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बॉलर्स को प्रोड्यूस करने में कामयाब रही है पाकिस्तान की टीम। एंड लेट दूसरे साइड से इंडिया का जो बॉलिंग सेटअप है, आई थिंक अप टू 2005 उतना बढ़िया नहीं था क्वालिटी का, क्योंकि इंडिया का बैटिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग रहता था हमेशा, जहां पे बड़े बड़े खिलाड़ी आपको देखने को मिलते थे, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर देखने को मिलते थे। बट पाकिस्तान वॉज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड थोड़ा बहुत बैटिंग भी उनका बैलेंस में रहता था, ये एक प्लस पॉइंट रहता था उस टाइम पाकिस्तान के पास। That is why they have managed to win more matches in the early 90s and 80s. And अभी के time में अभी क्या हो गया है, India by the likes of IPL and जो domestic cricket ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से इनको काफी फायदा मिला है। They have gained more players, उनको players resources मिलते हैं IPL से and बाकी जगहों से, एंड उनके पास एक ऐसा सेटअप बन चुका है कि एट द सेम टाइम, जैसा कि हमने देखा, एक तरफ से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज चल रही थी तो इंडिया की जो मेन टीम थी वो वहां पे खेल रही थी, और यहाँ पे श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज खेलने के लिए इंडिया ने अपनी बी टीम को भेज दिया। टेक्निकली वो बी टीम है, लेकिन अगर उस बी टीम में खेले हुए प्लेयर्स का नाम मैं लूं तो वहां पे कैप्टन कर रहे थे शिखर धवन, जिनको मैन ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट्स कहा जाता है। इंडिया के नंबर वन ओपनिंग बैट्समैन में से एक है, जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। बट पाकिस्तान वहां पे थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना नेट रिसोर्स नहीं आया है, प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज, वो एक क्वालिटी टीम सेटअप करने में उनको बहुत मुश्किल हो रही है पिछले 5-8 साल से। लेकिन अब हम एक फाइनल फिगर की तरफ मैं आपको ले चलूं, ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच 7 मैचेस खेले गए हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, और 7 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, पाकिस्तान ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, जो मैंने अभी भी आपको बोला। और T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस खेले गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप में, जहां इंडिया ने 4 जीते हैं और
पाकिस्तान ने कोई भी मैच नहीं जीता है, जो एक मुकाबला रिमेनिंग रहता है दैट इज टाई, जो ड्रॉ हुआ है, मतलब बोथ T20 वर्ल्ड कप एंड ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया को हराने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए मैचेस, तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फेस्ड ईच अदर इन 5 गेम्स, जहां पे इंडिया ने 2 बारी जीता है एंड पाकिस्तान ने 3 बारी जीता है। यहां पे थोड़ा पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया, एक मैच ज्यादा जीते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें कि किस टीम के पास ज्यादा मेजर ट्रॉफीज है, मेजर ट्रॉफीज में आते हैं वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी आता है, एशिया कप आता है, मेजर्स आते हैं उनकी, जब हम बात करते हैं तो आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इंडिया ने उसको 2 बारी जीता है एंड पाकिस्तान हैज ओनली मैनेज टू विन इट वंस, खाली एक बार जीत पाए हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों, पाकिस्तान ने भी एक बार और इंडिया ने भी एक बार जीता हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया हैज मैनेज टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी ट्वाइस एंड पाकिस्तान हैज ओनली मैनेज टू विन इट वंस, खाली एक बार जीत पाए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एंड वो भी अगेंस्ट इंडिया इन 2017, वो ड्रामेटिक फाइनल, नोबडी कैन फॉरगेट दैट। वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, पहले टूर्नामेंट हुआ करता था, अब लो हो गया है, तो एक टूर्नामेंट वो एक बार इंडिया ने जीता था, पाकिस्तान ने कभी नहीं जीता। एशिया कप इंडिया हैज वॉन दैट 7 टाइम्स एंड पाकिस्तान हैज मैनेज टू विन इट ओनली 2 टाइम्स। अब हम एशियन टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो पाकिस्तान ने एक बार ही जीता है, इंडिया नहीं जीत पाया है उसको। ऑस्ट्रेलिया कप इंडिया 0 एंड पाकिस्तान 3। टोटल नंबर ऑफ मेजर ट्रॉफीज इंडिया के पास है 13 एंड पाकिस्तान के पास है ओनली 9। तो ये था एक कंपैरिजन जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि विच टीम इज बेटर, लेकिन कोई भी कंपैरिजन आई डोंट थिंक कि फाइन रहता है, बिकॉज अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मैंने आपको अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, दोनों टीमें भारी ही रही हैं। पहले पाकिस्तान इंडिया पे भारी रही है एंड करंट एरा इंडिया पाकिस्तान पे भारी रही है, तो आई डोंट थिंक इट इज अ कोई ऐसी बात है कि जहां पे बोला जाए कि यार ये टीम ज्यादा वीक है, ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है। लेट्स मूव टू द इंडियन प्रीमियर लीग। लास्ट नाइट मैच वाज प्लेड बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स। एक तरफ से देखिए तो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर गई चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने पहले इनिंग में बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया था 189 विद एन ब्रिलियंट मेड इन 100 ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने अपने इनिंग के लास्ट बॉल पे छक्का मार के अपना सेंचुरी कंप्लीट किया। लेकिन डिस्पाइट द गुड परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स वेर आउटप्लेड कंप्लीटली बाय द राजस्थान बैटर्स, जहां पे एवन लुइस की बात करें या उनका डेब्यू मैच खेल रहे एक और प्लेयर, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ब्रिलियंट इनिंग खेली और नियर अबाउट 19th ओवर में ही मैच खत्म कर दिया एंड राजस्थान रॉयल्स आर स्टिल इन द रेस ऑफ टू प्लेऑफ्स। और ज्यादा राजस्थान की जीत से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है आईपीएल का मिड टेबल, कि कौन टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, लेकिन इसी को रोमांच कहते हैं और हमें भी इसी में मजा आता है ज्यादा। फिलहाल आप मुझे अपने होस्ट मैराल तफानी को कल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।